हेलो दोस्तों, आजकल एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने वाला। आजकल करते क्या लोग, बैंक कर्मचारी बनके आपके पास कॉल करते हैं और आपके पास एक लिंक भेजते हैं जिसमें आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड को फिल करने के बाद एक ओटीपी आता है और वो ओटीपी पूछ लेते हैं। उसी जैसे आप ओटीपी को बताते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा खाली हो जाते हैं। इसी के लिए मैंने आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। यदि आपको लिंक करना चाहते हैं तो ऑफिशियल इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आपको जाना है, वहाँ पर जाकर के आपको लिंक करना है। इसी पर मैं ट्यूटोरियल वीडियो बना देता हूँ, आप देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर ओपन कर लेना अपने क्रोम ब्राउज़र को और उसमें लिखना है www.incometaxgov.in। जैसे आप क्लिक करेंगे इस पर तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में देखेगा होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिंक आधार स्टेटस, लिंक आधार पर आपको क्लिक करना है ये वाले पे। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे थ्री स्टेप दिखेगा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। और जैसे इसको आप नीचे करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखेगा पैन नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर फिल कर देना है, जैसे मैं फिल कर देता हूँ। इसके बाद आपको दिखेगा आधार नंबर, आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर देना है, जैसे मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। जैसे ही आप अपने आधार नंबर को यहाँ पर फिल कर लेंगे नीचे दिखेगा आपको वैलिडेट, वैलिडेट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दिखाएगा कंटिन्यू टू पे थॉट ई पे, तो उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, ई पे टैक्स अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है, जो आपका पैन कार्ड नंबर एक बार यहाँ पे फिर से फिल करना है, जैसे मैं अपना यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इसके बाद आपको कंफर्म करना है, दोबारा से वही अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद नीचे देखेंगे मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर जो भी होगा जो आधार कार्ड से लिंक है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपके पास एक ओटीपी आएगा 6 नंबर का, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, जैसे मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ अभी। दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर नाम दिखाएगा और पैन नंबर इधर दिखाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू। यहाँ पे दिखेगा ई पे टैक्स, आपको जो फर्स्ट में दिख रही है इनकम टैक्स वाला ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है और पेमेंट यहाँ पर करना होगा। आपको 1000 रुपये का पेमेंट गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने 31 मार्च 2023 से पहले पहले लिंक नहीं किया है, तो इसलिए 1000 रुपये का फाइन लगाया गया है। देखिए अगली वीडियो में, अगर आप ये लिंक नहीं करते और पेमेंट नहीं करते तो आपके ऊपर कौन कौन से फ़ाइन लग सकते हैं और आपको क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है लाइफ में, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और